ओके, हम लोग नक्श माशकाटा पढ़ रहे थे। नक्श माशकाटा कल इस पे हम लोग कुछ बातें कर चुके थे। हम लोग बात किए थे कि इस दवाई का कॉमन नेम जैसे नटमेग है, ठीक है, और दिखने में सुपारी के जैसा ये होता है, लेकिन इसका जो हम लोगों के यहाँ जो लोकल नेम है, इसे जायफल के नेम से हम लोग जानते हैं। मायरिस्टिकेसी फैमिली का प्लांट है और उसके सीड को हम लोग यूज करते हैं दवाई बनाने के लिए। सीड का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कल बात किए थे कि इस रेमेडी को मेनली हिस्टेरिकल कंप्लेन में ओल्ड टाइम से यूज किया जा रहा है। हिस्टेरिकल, जहाँ पे आजकल इसको नाम दे दिया गया है साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, यानी कि जब कभी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की जो एक्सप्रेशन है वो फिजिकल प्लेन पे होते हैं, तो ऐसी कंप्लेन को हिस्टेरिकल कंप्लेन बोलते हैं। इस पे हम लोग कल बात किए थे और हम लोग कल इसका जनरल इंट्रोडक्शन भी देखे थे केंट और बोरिक और एलन के नोट से। आज हम लोगों को आगे की बात करनी है और आज हम लोग फिजिकल जनरल देखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल जनरल ऐसे सिम्टम होते हैं जो फिजिकल प्लेन पे होते हैं, फिजिकल बॉडी पे होते हैं और एज ए होल पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सिम्टम्स को फिजिकल जनरल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे उसी में एक सिम्टम है कि पेशेंट जो है, एक तो होता है नॉर्मल सेंसिटिविटी, ठीक है, कि ठंडी लग रही है तो पता चलना चाहिए, आवाज़ हो रहा है कहीं तो पता चलना चाहिए, ठीक है, कोई टच कर रहा है तो पता चलना चाहिए। और एक होता है कि नॉर्मल से भी बढ़ जाए, ओवर हो जाए, ठीक है, तो वो डिजीज कंडीशन होती है। तो इस बीमारी में जो पहली कंडीशन है, दैट इज ओवर सेंसिटिवनेस, इस पे हम लोग थोड़ा सा कंपेरिजन भी करेंगे। ओवर सेंसिटिवनेस, ठीक है, ओवर सेंसिटिवनेस, हम लोग फिजिकल सिम्टम इस पे हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे। तो ओवर सेंसिटिव पेशेंट होगा और लोग ओवर सेंसिटिव होंगे किस बात को लेकर के, ओवर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव लोग बताएंगे टू आवाज को लेकर के, नॉइज को लेकर के, ठीक है, और सुनने को लेकर के, हियरिंग को लेकर के, ठीक है, एंड इवन जो है स्मेल को लेकर के, कि जरूरत से ज्यादा ही कुछ स्मेलिंग कुछ महक रहा है, ठीक है, या टच को लेकर के। इन सारी चीजों के अगेंस्ट कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंसिटिविटी है। कोई छू भी नहीं रहा है फिर भी लग रहा है कि जैसे टच कर रहा है, या कोई छू भी दिया तो अचानक से जैसे चौंक जाए, ठीक है। तो ये बात लिखी गई है नक्श नक्श मास्काटा में, जिसकी बात हम लोग इस समय कर रहे हैं, नक्श मास्काटा। अगली बात, बस अगर इतना ही रहे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, बस यही क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन है, तो एलन के नोट से दवाई है मैग्मियो। अगला क्वेश्चन, या अगला कोई पेशेंट बताए और वो ओवर सेंसिटिव हो गए हैं, लेकिन उनकी जो ओवर सेंसिटिविटी हुई है वो हीट और कोल्ड को लेकर के हो गई है, कि बहुत जरूरत से ज्यादा गर्मी लग रही है या बहुत जरूरत से ज्यादा ठंडी लग रही है, जरूरत से ज्यादा, तब तो वो डिजीज कंडीशन है। तो ये बात है, तो ईपीकॉक, ठीक है, ओवर सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड। एक और दवाई है जिसमें है कि ओवर सेंसिटिवनेस है, सारी बातें हम लोग ओवर सेंसिटिवनेस की ही कर रहे हैं। तो ओवर सेंसिटिव है पेशेंट टू ओपन एयर, कि बाहर जाना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है स्पेशली
स्पेशली अबाउट ईयर, कि हमारे कान के पास ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए जैसे बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये बात है कैमोमिला में, कैमोमिला ठीक है। और पूरा शरीर ही जैसे ओवर सेंसिटिव हो गया है, ये शब्द जो लिखे गए हैं कि होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, तो ये लाइन है अर्निका में, एलन कीनोट की ही लाइनें सब लिख रहे हैं। इवन क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, फिर पूछे जाएंगे। और अगला है ओवर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू पेन, दर्द को लेकर के ओवर सेंसिटिवनेस है, इग्निशिया। ओवर सेंसिटिवनेस या ओवर सेंसिटिव ऑल सेंसेस, जो सेंसेस हैं लाइक जैसे आंख है, कान है, नाक है, ठीक है, टंग है, तो कोई भी जो सेंस ऑर्गन है, सभी सेंसेस ओवर सेंसिटिव हो गए हैं। तो दवाई है वेलेरियाना, वेलेरियाना ठीक है। और अगर यही है ओवर सेंसिटिव टू ऑल पार्ट, सेंस की जगह हो जाए ऑल पार्ट, तो ये लाइन लिखी गई है कैंथरिस में, एलन केनोट में, कैंथरिस में, कि ओवर सेंसिटिव हो गया है पेशेंट। नॉर्मल सेंसिटिविटी एक होनी भी चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ठंडी है कि गर्मी है, कि क्या कुछ हो रहा है इन्वायरमेंट में। ये बात इस पे हम लोग आर्गन में जिक्र करते हैं, सेंसिटिविटी पे हम लोग वहाँ बात करते हैं। बीमारी की कंडीशन तब होती है जब नॉर्मल से या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। तो ये हम लोग जो कंडीशन है, इनकी बात जो हम लोग कर रहे हैं कि ओवर सेंसिटिव है। एक और दवाई है जिसमें पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। एंड स्लाइट कंट्राडिक्शन, एलन किनोट की ही लाइन है, स्लाइट कंट्राडिक्शन, स्लाइट कंट्राडिक्शन काज रैथ, रैथ का मतलब होता है कि गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, जरा सा किसी ने उनकी बात का विरोध किया तो उनको गुस्सा आ जाता है, ऑरम में जरा सा किसी ने अपोज किया गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और वो वाली बातें जो हम लोग अक्सर जो सेंसिटिवनेस की करते हैं तो इनको जरूर करते हैं, लाइक ओवर सेंसिटिव स्ट्रेचनिंग, स्ट्रेचनिंग का मतलब होता है कि फाड़ना, लिनेन, लिनेन का मतलब जैसे कपड़ा कोई फाड़ रहा है या सिल्क को फाड़ रहा है, सिल्क बहुत सॉफ्ट होता है, फिर भी उसके फाड़ने से किसी को ओवर सेंसिटिवनेस है कि अरे क्या फाड़ रहे हो, जैसे कोई फाड़ रहा है और एकदम जो आवाज आती है चर्र से, ठीक है, उसकी वॉइस से किसी को ओवर सेंसिटिवनेस है। तो स्ट्रेचनिंग लिनेन और सिल्क, हेलो, हाँ यस, हाँ नमस्ते। अच्छा इधर से नहीं कोई परेशानी है, वो आप फिर से करिए, ठीक है, ओके, यस, आंसर सही है, क्योंकि ये शब्द केवल एक ही जगह लिखे ही गए हैं, या क्रैकलिंग ऑफ पेपर, जैसे बैठे हैं पेपर कहीं से क्राक क्राक कर रहा है, पंखा चल रहा है उसके नीचे पेपर रखा है तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है। दवाई है एसेरम यूरोपियम, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह भी याद होगा आपको, क्रैकलिंग ऑफ पेपर मेक डिस्पेयर हिम, कि बैठे हैं और पंखा चल रहा है और पेपर कड़कड़ कड़कड़ कर रहा है तो उससे निराश हो जाते हैं, मेक डिस्पेयर, क्रैकलिंग ऑफ पेपर मेक डिस्पेयर हिम, निराश हो जाते हैं। ये नहीं याद आया? यस, पिरामिड, ये सब तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, पिरामिड। एक और है टर्मिनी ऑफ नर्व, यानी कि नर्व का जो टर्मिनल पार्ट है, ये जैसे ये हो गया,
रेक्टम के पास हो गया, तो टर्मिनी ऑफ नर्व बिकम्स ओवर सेंसिटिव। ठीक है, तो टर्मिनी ऑफ नर्व अगर सेंसिटिव हुई है तो दवाई है टेरेंटुला। टेरेंटुला ठीक है। तो ये कुछ बातें ओवर सेंसिटिवनेस को लेकर के। ठीक है, अगली बात फिजिकल जर्नल की हम लोग बात कर रहे हैं। फिजिकल जर्नल का मतलब ऐसे सिम्टम जो होते तो फिजिकल प्लेन पे हैं लेकिन एज ए होल पूरे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सिम्टम को फिजिकल जर्नल बोलते हैं। कल हम लोग इसका जनरल इंडिकेशन देख चुके हैं, तो उसके आगे की बात आज हम लोग कर रहे हैं इसमें। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ ठीक है, क्लास के बाद मैसेज करिएगा। ठीक, ओके। अगला है ग्रेट सोरनेस ऑफ पार्ट, तो हेडिंग डाल लीजिए सोरनेस। ठीक है, सोरनेस ऑफ पार्ट, जिसमें अगर पहली बात की हम लोग बात करें, लाइक सोरनेस का मतलब होता है दर्द का एहसास। जैसे कहीं कुछ हुआ है पेशेंट को, आप टच करने जाइए तो पेशेंट हटाए कि नहीं, सुइए मत, दर्द होगा अभी, तो उसको सोरनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेट सोरनेस ऑफ पार्ट। ठीक है, यानी कि दर्द का एहसास हो रहा है और जहां पे बैठते हैं लोग, बैठते हैं जैसे बैठना है, अपॉन व्हिच पेशेंट लाइज, कि कमर पे भी जैसे लग रहा है कि अभी कमर पे भी दर्द होगा, बटक्स पे भी दर्द होगा बैठेंगे तो, ग्रेट सोरनेस ऑफ ऑल पार्ट अपॉन व्हिच लाइज। या कई बार बैठते नहीं हैं लोग, लेटते हैं, अग्रेवेशन है इस दवाई में ऑन पेनफुल साइड। इस शब्द का मतलब यह है कि जैसे पेशेंट किसी भी कंडीशन में लाई कर रहा है, कई बार अगर लेट भी रहे हैं तो भी दर्द का एहसास होता है, लेटने से भी, बैठ रहे हैं तो भी दर्द का एहसास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें है नक्स मास्काटा, नक्स मास्काटा। ठीक है, लेकिन अगर है ग्रेट सोरनेस ऑफ ऑल पार्ट, लिखेंगे सब ऑल पार्ट बिकम सोर। सोर का मतलब दर्द है, और क्वेश्चन में या लाइन में दिख रहा है एवरीथिंग, जैसे यहाँ पे है ऑल पार्ट, इसकी जगह हो जाए एवरीथिंग। तो अगर एवरीथिंग आपको मिल रहा है तो ये दवाई में लिखा गया है बेप्टिसिया में, इसकी जगह एवरीथिंग है तो वहां पे है बेप्टिसिया, बेप्टिसिया। और इसकी जगह अगर हो जाए कि पेशेंट किसी भी पोजीशन में रहे, व्हाट इवर पोजीशन, बस एक ही शब्द चेंज होगा, ये इसकी जगह हो जाएगा व्हाट इवर पोजीशन, तो दवाई है अर्निका। ठीक है, और इसकी जगह हो जाए कि जो बेड है जहां बैठ रहे हैं वो फील हो रहा है सो हार्ड, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड हार्ड सा फील हो रहा है, कह रहे कितनी टाइट जगह बैठ गए, तो पायरोजन, ये लाइन पायरोजन में लिखी गई है। इवन ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, फिर पूछी जाएंगी। और उसमें हार्ड नहीं फील होता है लेकिन उसमें है कि दवाई, वो दवाई में जो है बेड फील्स हॉट नॉट हार्ड, गर्म महसूस होता है, और पेशेंट खोजता है सर्च कोल्ड प्लेसेस, कि जहां बैठ रहे हैं सब गर्म गर्म लग रहा है ना, तो खोजते हैं लोग कि कहाँ ठंड मिले तो वहां पे बैठेंगे, सर्च कोल्ड प्लेसेस। तो ये है ओपियम। ठीक है, इस सिम्टम पे पूरे एलन किनोट में यही दवाएं हैं, नक्स मास्काटा, बेप्टिसिया, अर्निका, पायरोजम। ठीक है, जिसमें सोरनेस है, तो ये तीन और एक चार, चार ही दवाई है और इसमें तो हॉट है। ठीक है, जिसमें बेड सोरनेस फील हो। अगली बात,
हम लोग फिजिकल जनरल की बात कर रहे हैं। हम लोग फिजिकल जनरल पे चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, अभी हम लोग पर्टिकुलर सिम्टम्स की भी बात करेंगे। एक अगला जो सिम्टम है, दैट इज सेंसेशन। सेंसेशन हेडिंग डालिएगा कि जो फिजिकल प्लेन पे डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन होते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। कि जैसे पेशेंट को ऐसा फील हो, है नहीं, फील हो रहा है, सेंसेशन सेंसेशन ऑफ ग्रेट ड्राइनेस। ग्रेट ड्राइनेस कि जैसे सब कुछ सूखा सूखा सा है, ग्रेट ड्राइनेस विदाउट विदाउट रियल ड्राइनेस, रियल ठीक है, या थर्स्ट, प्यास भी नहीं लगती है ठीक है, या इसी बात को एक और लाइन लिखेंगे कि टंग ड्राई। टंग ड्राई है तो प्यास लगनी चाहिए लेकिन नो थर्स्ट है। जैसा कि यही बात हम लोग बात किए थे, पल्सटिला में भी लिखा गया है, लेकिन ये दोनों बातें एक ही दवाई में हैं, और ये यही है नक्स मास काटा, नक्स मास काटा ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए पल्सटिला भी है कि मुंह सूखा हुआ है फिर भी प्यास नहीं लगती, थर्स्टलेस ठीक है, यह भी थर्स्टलेस रेमेडी है नक्स मास काटा। मुंह सूखा हुआ है फिर भी नहीं प्यास लगी है, और इसको उल्टा यहीं लिख लेंगे क्योंकि ये सेंसेशन नहीं है, ये रियल में होता है। यह कि टंग जो है, टंग मॉइस्ट होती है और फिर भी जो है पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगी रहती है, थर्स्टी, ये लाइन लिखी गई है मार्क साल में, मार्क साल। तो टंग वेट है, भीगी हुई है, फिर भी बार बार प्यास लग रहा है, मार्क साल, और जहां सूखा हुआ है वहां प्यास ही नहीं लग रहा, नक्स मास्काटा पल्सटिला। एलन की नोट में दो दवाई है। हम लोग सेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सेंसेशन पे आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन। तो ऐसा फील हो, सेंसेशन एज इफ होल बॉडी, जैसे लगता है कि पूरा शरीर, एज इफ होल बॉडी स्पेशली लेग मेड अप ऑफ, बना हुआ है शीशे का, जैसे लगता है कि पूरा शरीर ही और स्पेशली लेग शीशे का बना हुआ है, और जब चलेंगे तो टूट सकता है ठीक है, वुड ब्रेक अप ऑन वॉकिंग, जब चलेंगे टूजा टूजा ठीक है, होता नहीं है कुछ, बस पेशेंट को महसूस होता है ऐसा, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। और टाइप का सेंसेशन है, जैसे सेंसेशन है कि पेशेंट को लगे कि एज इफ स्मॉल ऑफ बैक, कमर दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा कमर दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, और ऐसा लग रहा है कि कमर जो है टूट जाएगी, एज इफ स्मॉल ऑफ बैक वुड ब्रेक। ट्रिलियम पेंडुलम दवाई है, ट्रिलियम पेंडुलम ठीक है, कि जिसमें लगता है कि कमर टूट जाएगी एकदम ठीक है। बोन ब्रेकिंग फीवर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बोन का तो कहीं नाम ही नहीं लिए हम लोग, जहां पे बोन शब्द आएगा वहां पे ईपी का और ईपेटोरियम भी आता है ठीक है, तो बोन शब्द तो है ही नहीं, और वहां पे रियल पेन होता है, यहाँ पे रियल पेन नहीं है, यहाँ पे तो बस फीलिंग है, बस जैसे लग रहा है कुछ है, पेशेंट को बस लगता है कि है ठीक है। रिपर्टरी में इसी को डिलूजन नाम से दिया गया है, डिलूजन। अगली बात, जैसे लगता है कि सेंसेशन है कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि गले में जैसे लंप है, कोई कोई
कोई जैसे हल्की सी कुछ महसूस हो रहा है, गांठ टाइप का भारी भारी, लंप इन थ्रोट, लोग बताते हैं कि गले में हमारे कुछ है और नीचे जा रहा है जब हम कुछ घूंट रहे हैं, डिसेंडिंग आई एम स्वॉलोइंग, जब हम कुछ घूंट रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो भी नीचे सरक रहा है, रूमेक्स, ठीक है, रूमेक्स। सेंसेशन, सेंसेशन है यहाँ पे ऑफ फीदर लाइक, कि जैसे गले में जैसे पंख होता है, फीदर होता है चिड़िया का पंख, वैसा गले में जैसे फंस गया है कुछ, ड्रॉसेरा, ड्रॉसेरा, ठीक है। अगली बात, सेंसेशन, और यहाँ पे पेशेंट बात थोड़ी सी बदल गई है, यहाँ पे है वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव टू रेटल ऑफ वेगन्स। ये बात अभी हम लोग किए थे नाइट्रिक एसिड में, कि गाड़ियां जो चल रही हैं उनसे, ठीक है, और वो भी अगर गाड़ी ओवर पेव्ड स्ट्रीट का मतलब जैसे ढका हुआ रास्ता है, अंडरग्राउंड रास्ता है, तो भी उनको बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और भी कुछ दवाएं हैं जिनमें सेंसेशन की बात, शब्द नहीं यूज किया गया है सेंसेशन, लेकिन ये एबनॉर्मल सेंसेशन है, अब इनकी बात हम लोग करेंगे, जिनमें शब्द सेंसेशन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, फील करके वहां पे लिखा गया है कि पेशेंट फील। इसी के आगे कंटिन्यू करिएगा, वहां पे लिखा गया है कि फील, पेशेंट फील्स एज इफ लेग, वन लेग लिखा गया है, वन लेग बिकम डबल, एक पैर डबल हो गया है, ऐसा महसूस होता है, ठीक है। एंड समवन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, समवन लाइज इन सेम बेड, ऐसा पेशेंट को लगता है कि हमारे बगल में कोई और जैसे सोया हुआ है, पेट्रोलियम, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेट्रोलियम, ठीक है। फील होता है कि वन लेग फील्स, यहाँ पे फील वाली बातों को हम लोग कर रहे हैं, वन लेग्स, एक ही पैर जैसे उड़ रहा है, सेंसेशन, वन लेग वेयर फ्लाइंग, पकड़ते हैं लोग, पैर उड़ जाएगा, पैर उड़ जाएगा, स्टिकटा, होता कुछ नहीं है, बस महसूस होता है पेशेंट को, ठीक है। अगली दवाई जिसमें लगता है कि सेंसेशन फीलिंग है इसमें, कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो हवाओं पे चल रहा है, हॉवरिंग इन एयर, हॉवरिंग इन एयर, हवाओं पे चल रहे हैं, ठीक है, और अनलाइन डाउन, लेटने पे लगता है कि बिस्तर से ऊपर लेटे हुए हैं, नॉट टचिंग बेड, जैसे बिस्तर टच नहीं हो रहा है और बिस्तर से ऊपर है, लेटे हुए हैं, हवा में है, लेग कैन, ठीक है। सेंसेशन एज इफ फ्लाइंग इन एयर, शब्द अलग है, यहाँ पे हॉवरिंग है, यहाँ पे लिख रहे हैं फ्लाइंग इन एयर, वेलेरियाना, वेलेरियाना, तो कुछ उड़ने वाली दवाएं जिनमें महसूस होता है कि उड़ रहे हैं हम, हवाओं पे चल रहे हैं, हवाओं पे चल रहे हैं और लेट रहे हैं, तो बिस्तर से ऊपर हवा में ही लेट रहे हैं, इस तरह के सेंसेशन। तो ये कुछ सेंसेशन की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अगली बात, हम लोग अब पर्टिकुलर सिम्टम पे चल रहे हैं, नक्स मास्काटा के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, और फिर पूछी जाएंगी। तो पर्टिकुलर सिम्टम में हम लोग टॉप टू बॉटम चीज़ों को याद रखते हैं, जैसा केंट रिपर्टरी में है चैप्टर्स, तो वैसा ही। तो पर्टिकुलर सिम्टम का मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं,
जैसे कई बार लोग बताएंगे वर्ग मेटेरिया मेडिका से लिख रहे हैं कि हमको चक्कर आता है, ठीक है, हम लोग वर्टाइगो की दवाओं को एक दिन कंपेयर किए थे, फिर करेंगे, लेकिन ये बात बोरिक मेटेरिया मेडिका से लिख रहे हैं। तो वर्टाइगो वो भी कब होता है? इन ओपन एयर, ओपन एयर से होता है वर्टाइगो, ठीक है, कि कहीं खुली हवा में चले जाए। रस्टॉक्स में एलन के नोट में लिखा गया है कि वर्टाइगो ऑन वॉकिंग, ठीक है, कि जब चलते हैं तो, और चलते चलते कोई बुला लिया और अचानक से पीछे मुड़े, कोलोसिन, ठीक है, लैकेन, ठीक है, लैकेन नहीं, कोलोसिन, और क्वनियम मैक है, लाइंग डाउन से इवन बिस्तर में करवट बदलते हैं, झुकने से ब्रैनिया, ये सारी बातें हम लोग किए थे, ठीक है, एपिस भी है। तो ये बात बोरिक मेटेरिया मेडिका से हम लोग लिखे हैं कि खुली हवा में जाने से जो है चक्कर टाइप का महसूस होने लगता है, और कुछ मिलती जुलती लाइन एलन की नोट में है कि वर्टाइगो ऑन वॉकिंग, जब चलते फिरते हैं, टहलते हैं, ठीक है, तो चक्कर आता है, तो दवाई है रस्टॉक्स। अब कोई कहे इसमें अंतर क्या है? चलना फिरना टहलना हमेशा घर के बाहर ही नहीं होता है, खुली हवाओं में, ठीक है, ये घर में भी हो सकता है, तो भी चक्कर आएगा, और इसमें क्या है, जब खुली हवा में जाते हैं तभी। अगली बात, इस सिम्टम को लिखेंगे, हेड का सिम्टम है ऑन लिटिल ईटिंग, थोड़ा सा खाए नहीं, ऑन लिटिल ईटिंग, थोड़ा सा भोजन किए नहीं, काजिंग वायलेंट हेडक, टू मच हेडक शब्द का ही लिखा गया है यूज, काजिंग टू मच हेडक, टू मच हेडक, हेडक, कुछ ईटिंग वाले सिम्टम हम लोग कंपेयर करेंगे, ईटिंग जिसमें खाना खाने से दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहली बात तो यही हो गया कि ऑन लिटिल ईटिंग, थोड़ा सा खाए नहीं, थोड़ा सा खाए नहीं कि सर दर्द चालू हो गया, टू मच ईटिंग, लोग बताएंगे कि हमारा सर दर्द खाना खाने के बाद चालू हो जाता है, थोड़ा सा हम खाए नहीं कि हमारा पूरा टू मच हेडक है, टू मच हेडक, थोड़ा सा खाए नहीं कि पूरा हमारा सर दर्द चालू हो जाता है। तो यही है नक्स मास्काटा, नक्स मास्काटा, नक्स मास्काटा, ठीक है। एक दवाई है उसमें पेट का दर्द होता है, गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्रेल्जिया रिलीव्ड बाई ईटिंग, पेट में दर्द है और लोग बताते हैं कि जब खाना खाते हैं, तो आराम मिलता है, गैस्ट्रेल्जिया रिलीव्ड बाई ईटिंग। नहीं आ रहा किसी को? दवाई है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। यही बात एक जगह और लिखी गई है, थोड़ी सी बात बदल के लिखी गई है एलन की नोट में, कि पेट में दर्द होता है, पेन इन स्टमक, और आराम मिलता है, रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग, रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग, पेट में दर्द है, खाना खाने के बाद आराम मिलता है, ग्रेफाइट में लिखा गया है, शब्द थोड़े से अलग है, ठीक है। और हेडक वाली बात खाने से एक और दवाई में है, मोर ही एट्स, मोर ही ईट्स, मोर ही क्रेप्स, ठीक है, जितना खाते हैं और भूख लगता जाता है, और अगर नहीं खाए या खाना खत्म हो गया तो हेडक शुरू हो जाता है। दवाई बताइए, मोर ही ईट्स, मोर ही क्रेप्स, अगर खाना खत्म तो यस, लाइकोपोडियम, ठीक है। एक और दवाई, अब खाने की बात चल रही है तो थोड़ा सा खाने पे कंपेयर करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगती है, इवन स्टमक इज फुल ऑफ
पेट भरा हुआ है, स्टमक इज फुल ऑफ फूड, स्टमक इज फुल ऑफ फूड, स्टमक भरा हुआ है फिर भी भूख लग रही है, इस्टेफाइसेग्रिया, इस्टेफाइसेग्रिया। सेंसेशन जहां हम लोग लिख रहे थे वहां एक और बात लिख लीजिएगा सेंसेशन वाले में, कि जब हर्ट का सेंसेशन है, हालांकि हम लोग कर चुके हैं इसको, कि हर्ट को जैसे स्क्वीज किया जा रहा है, कोई एकदम मरोड़ रहा है, सेंसेशन है, सेंसेशन वाले पार्ट में लिख लीजिएगा कि हर्ट को जैसे मरोड़ा जा रहा है, एकदम जैसे कपड़ों को स्क्वीज किया जाता है बाई आयरन हैंड। तो दवाई है इसमें आयोडम, आयोडम। लेकिन अगर क्लैप्स एंड अनक्लैप्स किया जा रहा है बाई आयरन हैंड, जैसे लगता है कि लोहे के हाथ से एकदम पकड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो ये हम लोग बात किए थे कैक्टस जी, कैक्टस जी, ठीक है। सेंसेशन वाले में हम लोग इसमें भूख वाली दवाओं की बात कर रहे हैं, भूख से रिलेटेड, खाना खाने से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उन बातों को कर रहे हैं। एक सिम्टम है जिसमें लोग बताते हैं कि रात में उठ उठ के खाना खाते हैं, हंग्री एट मिडिल ऑफ नाइट, हंग्री एट मिडिल ऑफ नाइट, इमिडिएटली, इमिडिएटली नहीं, एट मिड ऑफ नाइट, मिडल ऑफ नाइट, सोरिनम, दवाई है सोरिनम, सोरिनम। परेशान नहीं होइएगा, हम लोग कई दवाओं को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे चीजों को जो अलग अलग जगह एलेन की नोट में लिखी गई हैं उनको हम लोग एक साथ करके पढ़ रहे हैं, तो परेशान नहीं होइएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन है, यही सब सिम्टम्स हैं जो पेशेंट बताते हैं, ठीक है। जैसे एक दवाई है, लोग बताते हैं कि यार साहब अभी तो खाना खाया है, वो भी कैनाइन हंगर शब्द का यूज किया गया है, कैनाइन हंगर, कैनाइन हंगर, हंग्री सून आफ्टर, हंग्री सून आफ्टर मील। लोग बताएं कि अभी खाना खाया है तो खाना खाने के बाद फिर से भूख लग गई, सून आफ्टर मील, सीना, ठीक है। बस शब्द थोड़े से बदल जाएं, वहां पर भी है हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, और सून की जगह हो जाए इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब जस्ट अभी खा करके उठ रहे हैं फिर भूख लग गई, इमीडिएट आफ्टर ईटिंग, खाना खा के उठ रहे हैं अभी फिर भूख लग गया, मेडोराइनम, मेडोराइनम, ठीक है। एक और दवाई वहां पर भी है, रेवनस हंगर, कि बहुत ज्यादा एकदम भूखड़ होते हैं, जैसे रेवनस हंगर एंड ईट ईट एन आर एवरी आर। लोग बताते हैं कि हर घंटे बस ले लेकर के खाना खा रहे हो और कोई काम तो है नहीं, आफ्टर एवरी आवर, तो ये बात है आयोडम में, आयोडियम, ठीक है। एंड रेवनस हंगर, भूख बहुत जोरों की लगती है, अबाउट अबाउट 11 AM, सल्फर, सल्फर, ठीक है। तो ये हम लोग खाने से शुरू किए, इसमें भी खाने का सिम्टम है, और कुछ दवाओं को हम लोग कंपेयर किए हैं। अगली बात, ये तो ईटिंग से रिलेटेड सिम्टम्स थे, आप देखे होंगे कि रिजल्ट आया है लेक्चरर का और क्लियर हुआ है, अभी और कुछ रिजल्ट्स आने बाकी हैं, ठीक है। तो
इधर रिजल्ट और एग्जाम ये चीजें अच्छा है। ऐसा मौका बहुत दिनों के बाद होम्योपैथी में आया है कि कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ एग्जाम्स आने बाकी हैं। ठीक है, तो ये अच्छा समय है, पढ़िए। और आगे आने वाली वैकेंसी में आप भी अपनी एक सीट तो बुक ही कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग और नीचे चल रहे हैं, तो जैसे आई के सिम्टम है, आई, ठीक है, तो आई में है, हर जगह ड्राइनेस है, ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राई आई शब्द वहां पे लिखा गया है, हम लोग लिख रहे हैं ड्राइनेस। ठीक है, ड्राई टू क्लोज यानी कि आंख बंद करते हैं तो लगता है कि आंख सूखी सूखी है, से कभी भी आंख सूखी नहीं रहती, लेकिन इस दवाई में सिम्टम है आंख सूखा रहता है। ठीक है, बोरिक मेट्रिया मेडिका में लिखा गया है कि आंखों से जो दिखता है, आई के बाद विजन है। ठीक है, तो विजन में जैसे केंट रिपर्टरी में चैप्टर है विजन, तो इसमें लगता है कि जो चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट सीन, वो जरूरत से ज्यादा ही कुछ बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई चीज देख रहे हैं जो इतनी बड़ी है, तो इनको इतनी बड़ी दिखेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट सीन लार्ज। अगला सिम्टम माउथ को लेकर के है, माउथ। ठीक है, तो मुंह सूखा सूखा सा रहता है, लोग बताते हैं ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, कि हमारा मुंह जो है डॉक्टर साहब बहुत सूखा सूखा सा रहता है, या आप देखेंगे खुद ही दिखेगा, ग्रेट ड्राइनेस, यहाँ पे ड्राइनेस लिखा गया है, ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, टंग, टंग भी ड्राई, आप कहेंगे कि जीभ दिखाओ, तो जीभ भी अभी हम लोग बात किए कि एकदम ड्राई। ठीक है, इवन कई बार जो है ये चिपक जाती है, जीभ इतनी सूख जाती है कि जो रूफ होता है, जो बक्कल कैविटी है, ठीक है, कि टंग जो है नॉर्मली जो ऐसे हम लोग निकालते हैं वो ऊपर की तरफ चिपक जाती है इसमें। ठीक है, टंग जो है ऐसे चिपक जाती है ऊपर रूफ में, बक्कल कैविटी में, तो वो बात एलन की नोट में भी लिखी गई है, इट अडेयर्स, अडेयर्स का मतलब जैसे चिपक जाता है, इट अडेयर्स टू रूफ, रूफ का मतलब जैसे छत होता है, छत से चिपक जाता है ये छत ऊपर। और इसके साथ साथ थ्रोट भी ड्राई होता है, तो थ्रोट का भी सिम्टम है कि थ्रोट भी ड्राई, मुंह भी सूखा, जीभ भी सूखा, गला भी सूखा, ये बात है, मुंह भी सूखा, जीभ भी सूखा, गला भी सूखा, लेकिन नो थर्स्ट, प्यास ही नहीं लगती। यही अनकॉमन सिम्टम है कि प्यास तो लगनी चाहिए, जो कॉमन ही नहीं है। कॉमन क्या है कि सूखा है तो प्यास लगे, और प्यास नहीं लग रहा है तो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो अनकॉमन है। तो यही बात पल्सेटिला में भी है, अभी हम लोग लिखे। ठीक है, नो थर्स्ट तो पल्सेटिला में है, ये माउथ का सिम्टम। इसके बाद और आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं, हम लोग ऐसे बीच बीच में चीजों को कंपेयर करते रहते हैं जो अलग अलग जगह पे लिखी हुई हैं, और क्वेश्चन आजकल इसी तरह से आ रहे हैं, तो जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस तरह से हम लोग चीजों को अपडेट कर लेते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे एब्डोमेन का सेक्शन है, तो लोग बताएंगे कि डॉक्टर साहब जो हम खाना खा लेते हैं ना, हमारा पेट जैसे बढ़ जाता है पूरा। ठीक है, एब्डामेन डिस्टेंडेड, इसको लिखेंगे एब्डामेन, पेट फैल जाता है पूरा, फूल जाता है, डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड का मतलब पूरा जैसे बढ़ गया, फैल गया। ठीक है, एब्डामेन
डिस्टेंडेड आफ्टर एवरी मील, जो जो हर बार खाना खाते हैं आफ्टर एवरी मील। इवन एनार्मसली शब्द का यूज किया गया है। एनार्मसली का मतलब जैसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाता है। डिस्टेंडेड, जरूरत से ज्यादा ही एब्डोमेन बढ़ जाता है खाना खाने के बाद। हर बार जब खाना खाते हैं, हर बार जब खाना खाते हैं तो पेट बढ़ जाता है। लेकिन एक बात कर ले रहे हैं हम लोग, ये है नक्स मास्काटा। नक्स मास्काटा, कई बार आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कई बार यही कंप्लेन मदर्स में होती है। मदर्स का मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी जिसकी अभी सून ही डिलीवरी हुई है, और कंप्लेन कई बार लोगों की रहती है कि ऐसा उस डिलीवरी के बाद से ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही अभी तक अभी अंदर नहीं गया पेट, तो उसको बोलते हैं पॉट बेलीडनेस। पॉट बेलीडनेस, जैसे बेली जो है, जो पेट है वो घड़े के जैसा हो गया है, पॉट बेलीडनेस। ठीक है, कि जो बेली है, जो पेट है वो घड़े के जैसा हो गया है। तो अगर यही मदर में है, मदर में, तो दवाई है सीपिया। लेकिन अगर यही बच्चों में है, बच्चों में है पॉट बेलीडनेस ऑफ चिल्ड्रेन, तो सल्फर। ठीक है, तो खाना खाने वाली बात पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक और दवाई है, उसमें लगता है कि जैसे स्टमक है, जैसे स्टमक है एज इफ लोडेड विथ स्टोन, जैसे लगता है कि पत्थर भर गया है स्टमक में, जो खाए हैं वो पत्थर उत्थर खाए हैं, ऐसा महसूस होता है। स्टमक एज इफ लोडेड विथ स्टोन, ये वाली बात है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका, अगर यही चीज भारी भारी से लग रहा है और तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद, सून आफ्टर ईटिंग, सून नहीं, वहां पे इमिडिएटली शब्द का यूज किया गया है, इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग, इमिडिएटली खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पेट भारी भारी से लग रहा है, अब जाना चाहिए फ्रेश होने के लिए भाई। ठीक है, पेट भारी भारी से लग रहा है और डिजायर हो रही है। इसी तरह से एक सिम्टम है, जैसे जो स्मॉल इंटेस्टिन आती है, फिर सीकम यहाँ पे, फिर लार्ज इंटेस्टिन से मिलती है कोलन, ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, फिर ये डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, फिर इधर रेक्टम, ऐसे ही जीआईटी होती है। तो कई बार लोग बताएंगे आपको कि यार सर, जब खाना खा लेते हैं ना, तो खाना खाने के बाद, ठीक है, ये यही होता है, तो खाना खाने के बाद डॉक्टर साहब, ये हमारा पेट जो है ना, यही फूल जाता है, यही बिल्कुल इसी रीजन में बताएंगे कि ऐसे ही फूल जाता है खाना खाने के बाद। ठीक, ये कही दवाई है, पूरे एलन के नोट में लिखा गया है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ये वाली जो ट्रांसवर्स कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन प्रोट्यूड, प्रोट्यूड का मतलब जैसे बाहर निकल जाती है, लाइक पैड, प्रोट्यूड लाइक पैड, दवाई है बेलाडोना। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन, ये वाला हिस्सा, ये चीजें बहुत कॉमन है, लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा ही हो रहा है। अगली बात, जीआईटी से ही रिलेटेड एक सिम्टम और है, डायरिया। डायरिया वो भी गर्मी में, ठीक है, और वो भी जैसे कुछ ठंडा खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए या ठंडा पानी पी लिए। ठीक है, तो जैसे जीआईटी है और इधर ये रेक्टम है, ठीक, तो इस दवाई में आपको डायरिया भी मिलेगा, डायरिया,
लोग बताएंगे कि पेट खराब हो गया था या हो गया है, वो भी कब है, इन समर गर्मी के दिनों में। अब यहाँ से ये लाइन ब्रायनिया से बहुत आपको क्लोज दिखती है कि आफ्टर कोल्ड ड्रिंक कुछ ठंडा पी लिए थे, ठीक है, गर्मी के दिनों में। ब्रायनिया में भी है, गर्मी के ही दिनों में, इवन जब गर्मी से जैसे आए और ठंडा होने लगे, ठंडी हवा से कूलर चला के, तो उसमें भी ब्रायनिया है। लेकिन वहां पे बात थोड़ी सी अलग लिखी गई है, लिखी गई है कि कंप्लेन, डायरिया नहीं है वहां पे, कोई भी कंप्लेन है, ठीक है। व्हेन वार्म वेदर, जैसे गर्मी का जो मौसम सेट हो रहा है, इस समय का जो मौसम है, वार्म वेदर सेट्स इन आफ्टर कोल्ड नाइट, ठीक है, कि जैसे इस समय का मौसम है कि ठंडी के बाद गर्मी शुरू हो रही है, या कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई परेशानी हो जाए, कोई भी परेशानी हो, अगर डायरिया हो रहा है तो नक्स मांस काटा, लेकिन कोई भी परेशानी हो रही है तो ये है ब्रायनिया। ब्रायनिया में भी ड्राइनेस है, फिर से इसी पे आ रहे हैं हम लोग, इसी पे। तो डायरिया है इन ऑटम, पतझड़ के मौसम में, और कब है, डायरिया फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क, कि गर्म करके खूब, कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसा खूब गर्म करके दूध पीते हैं कि जब तक एकदम 1-1.5 घंटे गर्माते हैं, जब तक तो पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता है, एकदम आधा तो खोआ बन जाता है, तब पीते हैं, फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क, ठीक है, फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क। तो डायरिया फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क में याद रखेंगे, एलन की नोट में दो दवाएं हैं, ठीक है, वहां पे लिखा गया है अवर्जन टू मिल्क, अवर्जन टू मिल्क एंड डायरिया फ्रॉम इट, डायरिया फ्रॉम इट, डायरिया फ्रॉम इट। तो दूध पीने से डायरिया हो जाए, दो दवाई, एक तो नेट्रम सल्फ है, यह बात नेट्रम कार्ब में है, सॉरी नेट्रम सल्फ नॉट नेट्रम कार्ब, नेट्रम कार्ब है, और यह वाली बात इसमें है, नक्स मांस काटा में, नक्स मांस काटा, ठीक है। तो दूध से डायरिया हो तो दो दवाई याद रखेंगे, ठीक है, दूध पीने से, ठीक है। अवर्जन टू मिल्क लैक कैन में हम लोग पढ़े थे, वो भी लिख लीजिए, मिल्क अच्छा ही नहीं लगता, अवर्जन टू मिल्क लैक कैन, ठीक है। अगली बात है डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, ये लोग बता रहे हैं कि बच्चा है, दांत निकल रहा है, ये बात कैल्केरिया फास में भी है और मैग म्यूर में भी है, ड्यूरिंग डेंटिशन, ठीक है, यही लिख लेंगे कि डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, डायरिया, डायरिया है ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत निकल रहा है, बच्चा है और पेट खराब हो गया है, तो दवाई है मैग म्यूर, कैल्केरिया फास भी लिख लेंगे, कैल्केरिया फास ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि क्या क्या लिख रहे हैं, बस एक ही यही बात ब्रायनिया की लिखे हैं, ये वाली बात, ये वाली, बाकी सारी बात नक्स मास्काटा की चल रही है, बस यही वाली बात ब्रायनिया की है, उल्टा इधर उधर मत लिख लीजिएगा, ठीक है, बाकी सारी बात नक्स मास्काटा की चल रही है, ठीक है। और ये बीच बीच में थोड़ा सा कंपेरिजन, डायरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस दवाई में प्रेगनेंसी के दौरान और भी कंप्लेन है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी की दवाई को अभी हम लोग कंपेयर किए थे, अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। एजेंट हम लोग कंपेयर किए थे कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायरिया भी है तो आप नक्स मारकाटा को सोचेंगे, वोमिटिंग है तो हम लोग बात किए थे कि अलग दवाएं हैं लाइक सिंपोरिकार्पस,
और लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टेबैकम, सोरिनम, मकसाल, बहुत सारी दवाएं हम लोग बात किए थे। और भी कंडीशंस की बात किए थे कि दांत दर्द हो रहा है, टूथेक हो रहा है, कफ हो रहा है, फिर करेंगे हम लोग वो बातों को, हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोग अगली फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स की तरफ चल रहे हैं। तो इसमें जैसे लिखा गया है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, इसमें लिखा गया है ल्यूकोरिया एट प्लेस ऑफ मेंसेस। अभी हम लोग कंपेयर किए थे प्लेस ऑफ मेंसेस पे कौन कौन सी दवाएं हैं, ल्यूकोरिया एट प्लेस ऑफ मेंसेस। इसके आगे लिखा गया है फाइसोमेट्रा, फाइसोमेट्रा तो है नक्स मास्काटा। आज हम लोग फाइसोमेट्रा हेडिंग डालिएगा, इस पे कंपेयर करेंगे। फाइसोमेट्रा, फाइसोमेट्रा क्या होता है, ये बात यहाँ लिखी गई है। इमिशन ऑफ फ्लेटस, फ्लेटस फ्रॉम वजाइना। नॉर्मली फ्लेटस रेक्टम से पास होते हैं, फ्लेटस की जैसे गैस बनी है और हवा निकल रही है, रेक्टम से पास होता है नॉर्मली, लेकिन जब ये वेजाइना से पास करे तो इस कंडीशन को फाइसोमेट्रा बोलते हैं। और ये लाइन लिखी गई है लैक कैन में, लैक कैन में। एक और दवाई है वहां पे लिखा गया है फाइसोमेट्रा, फाइसोमेट्रा इमिशन ऑफ, इसको हाईलाइट करिएगा, लाउड वॉइस, लाउड फ्लटस फ्रॉम वेजिंग, ये है ब्रोमियम, ब्रोमियम में है, एलन की नोट में ही। एक और लाइन है ड्राइनेस ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन विथ फाइसोमेट्रा। पूरे एलन की नोट में ये चार दवाएं हैं फाइसोमेट्रा की, नक्स मास्काटा, लैक कैन, ब्रोमियम, लाइको। फाइसोमेट्रा की चार दवाएं हैं पूरे एलन की नोट में, ठीक है। अगला सिम्टम, जैसे केंट को लगा कि अभी तो चेस्ट वाला सिम्टम छूट गया, केंट को जैसे लगा हम लोग उन्हीं के जो चैप्टर्स हैं उसी हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो हम लोग भी चल रहे हैं ऊपर की तरफ चेस्ट के सिम्टम, लाइक चेस्ट, ठीक है। ये जैसे डायफ्राम है, ये चेस्ट है, तो चेस्ट में जैसे कफ है, खांसी है, ठीक है। और लोग बताएं कि हमको खांसी आती है सर, लेकिन जब जैसे रूम में रहते हैं और जब गर्म होते हैं तब, जैसे सोने चले गए, ठीक है, और बिस्तर उस्तर गर्म हो रहा है, गेटिंग वार्म इन बेड, लोग बताएंगे कि खांसी तभी ही आती है, खांसी तभी ही आती है, गेटिंग वार्म इन बेड, ठीक है। एक बात हम लोग लिखेंगे, कई बार इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से लोग बताते हैं, लोग कि कफ खांसी आती है ऑन लाइंग डाउन, कि जब लेटते हैं डॉक्टर साहब, लेटते हैं लाइंग डाउन से खांसी आती है, लाइंग डाउन से, ठीक है। तो हायोसाइमस और हीपर सल्फ वही ब्रैकेट में लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ठीक है। हीपर सल्फ एंड हायोसाइमस, ठीक है। इवन इस रेमेडी को आई हैव यूज्ड इन ए केस, ए लेडी वॉज सफरिंग सिंस लास्ट 2 ईयर, ठीक है। उनको काफी रिलीफ हुआ था, बस यही कंप्लेन रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि
कोई भी यूज कर सकता है, आप भी यूज करेंगे, बस सिम्टम्स को मिलना चाहिए। हम ये नहीं बता रहे हैं कि खुर्रम खाएं, बस हम बता रहे हैं कि हमने यूज किया था, रिजल्ट मिला था, आप भी कर सकते हैं अगर सिम्टम्स मिले। ठीक है, गेटिंग वार्म इन बेड, हियरिंग डाल लीजिए, जो कंप्लेन है, गेटिंग वार्म इन बेड। ठीक है, कि लोग बताएं या पेशेंट बताएं, जैसे गेटिंग वार्म, गेटिंग वार्म, कि हमारी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब तभी बढ़ती है जब हम सोने जाते हैं बिस्तर में, तभी जो है हमारी खांसी बढ़ जाती है। तो अगर खांसी बढ़ रही है, बिस्तर में जाते हैं सोने, तो दवाई है यही, नक्स मांस काटा, नक्स मांस काटा। ठीक है, लेकिन खुजली बढ़ जाए, बिस्तर में जाते हैं सोने, खुजली बढ़ जाए फ्रॉम वार्म ऑफ बेड से, अब पूछते हैं पेशेंट से, तो बताते हैं लोग जब सोने जाते हैं शाम को तभी खुजली बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, तो सल्फर, सल्फर, और ये भी बताते हैं कि बहुत डर, बहुत मजा आता है खुजलाते हैं तो, वेरी प्लेजेंट ऑन इचिंग, इवन खुजाते खुजाते तब तक खुजाते हैं कि जब तक ब्लड खून नहीं आ जाता है, सल्फर की ही लाइन है। ठीक है, एक और दवाई है जिसमें इचिंग है, खुजली है, वो बढ़ जाती है एट नाइट में वार्म ऑफ बेड से, मर्क साल। मर्क साल के मेन सेक्शन में आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा गया है। सल्फर जब पढ़िएगा तो वहीं ब्रैकेट में लिखा गया है, मर्क साल भी है, जिसमें खुजली रात में बढ़ती है, वार्म ऑफ बेड से बढ़ती है। ठीक है, और एक और दवाई है जिसमें इचिंग से बढ़ती है, इचिंग, इचिंग वार्म ऑफ बेड से बढ़ती है, लेकिन जब ठंडी आने वाली रहती है, वार्म ऑफ बेड अप्रोचिंग कोल्ड, तो इसमें भी लोग बताते हैं कि बहुत हमको खुजली हो रही है और ठंडी का मौसम होता है, तो हम लोग बात किए थे शुरू में ही, जब ठंडियां आ रही थी तभी हम लोग बात किए थे एलुमिना, अब तो ठंडियां जा रही हैं। हेडक फ्रॉम वार्म ऑफ बेड, हेडक होने लगता है, इसमें रस्टॉक्स। ठीक है, सांस फूलने लगती है, डिसनिया, कि सांस नहीं ले पा रहे हैं गर्म रूम में, इन वार्म रूम, वार्म रूम, पल्सेटिला। ठीक है, तो ये वार्म था बेड वाली कुछ दवाएं हैं। ओवर हीटिंग से भी है, बस छोड़ रहे हैं, आप लोगों को लेट होने लगता है ओपीडी के लिए, क्लासेस के लिए। लाइक जोड़ों की बीमारी है, रूमेटिक कंप्लेन, बैकेक भी है फ्रॉम कैरियज राइडिंग, तो वो हम लोग कंपेयर कर चुके हैं। जैसे लोग बताएं कि हम गाड़ी पे बैठ के चले गए थे कहीं, ठीक है, तो हमारा कमर दर्द कर रहा है, बैक एक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैक एक फ्रॉम कैरियज राइडिंग, कि गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए थे उसी वजह से हमारा कमर दर्द कर रहा है। ठीक है, जैसे पैर है, घुटना है, ठीक है, वो दर्द हो रहा है, रूमेटिज्म, रूमेटिज्म फ्रॉम गेटिंग फिट वेट, फ्रॉम गेटिंग फिट वेट, पैर भीग गया था उसके वजह से जोड़ों में दिक्कत हो गई, ये दर्द हो रहा है। ठीक है, या ठंडी का मौसम है, उसी में कहीं चले गए थे, एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर। ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ठंडी में कहीं चले गए थे, जोड़ों में दिक्कत बढ़ गई थी। फाइनली इसमें जो अग्रवेशंस हैं, अग्रवेशन तो कोल्ड वेट वेदर से है, ठंडी
ठंडे मौसम से है और कोल्ड वेदर है, या मौसम बदल रहा है, जैसे वेदर चेंजेस से है। कोल्ड फूड या ड्रिंक, कुछ ठंडा, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक से भी है। और इस दवाई में अम्लोरेशन है, गर्म चीजों को खाने से, वार्म एप्लीकेशन से। ठीक है कि अगर गर्म चीजें खाते हैं, पीते हैं, तो उससे अच्छा रहता है। वार्म वेदर हो गया या वार्म रूम हो गया। ठीक है, गर्म रूम में रहते हैं तो उससे आराम मिलता है। लाइंग अनअफेक्टेड वाला जो सिम्टम है, उस पर हम लोग कंपेयर किए थे। ठीक है, हालांकि ये सिम्टम इम्पॉर्टेंट है। अग्रेवेशन है लाइंग अनअफेक्टेड पार्ट, लाइंग अन पेनफुल पार्ट, कि जहां दर्द है उस पार्ट पे बैठते हैं, लेटते हैं तो दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपके टेस्ट में, हालांकि पूरा है, पूरा यन ग्रुप है, लेकिन यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने नक्स मास्काटा को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद की जो दवाई है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।